चलिए चलो, घड़ी पहले आ सोनी ला गए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है लोक देवता, यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति में। लास्ट में जो टॉपिक छोड़ दिया था हमने, यानी बावड़िया कंप्लीट पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ा था, कहानी से पढ़ा था। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी, जिसने क्लास नहीं देखी वो जाके देख लेना। सारी चीज़ें, स्थान महत्वपूर्ण जो भी है, सारे कहानी से मैंने याद करवाए हैं। तो आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान के लोक देवता। अब कई टावर सोच रहे थे गुरु जी सारणी क्या बना दी, पहली पहली बना के चिपका दी बोर्ड पर, है ना। कारण ये है सारणी बनाने का कि जो इसके जो लोक देवता है, यानी पढ़ रहे हैं पंचपीर, तो लोक देवता में जो पंचपीर है, इनके जो माता जी है, पिताजी है, एक है थोड़ा ऊक चूक हो जाए, बेरो कुन पड़े, कुनकी को बापू है, कुनकी की माँ है ना, तो दिक्कत हो जाए, यानी कि मायर दे किसकी माता है पता नहीं चलता। इसलिए मैंने क्या किया, सारणी बना दी। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ऐसी की ऐसी सारणी बनानी है ताकि आप लोगों को पता रहे कौन से पिता किसके हैं, कौन सी माता किसकी है, किस लोक देवता की है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बना दी, सारणी बना दी। सारणी समझाने के बाद में आपको जो महत्वपूर्ण और अन्य बातें हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो टेंशन तो आप लोगों को लेनी नहीं है। तो लोक देवता में हम पंचपीर पढ़ेंगे। पंचपीर में सबसे पहले, यानी कि पहले पांच पीर पढ़ेंगे, फिर बाद में हम अन्य लोक देवता पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको ढंग से पढ़ लेना, एक एक चीजें बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा। तो क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ गुरु जी, शुरू करो बिना किसी देरी के। चलिए, बताने की जरूरत नहीं है लोक देवता किसे कहते हैं, सबको पता है किसे कहते हैं लोक देवता। इंसान है, लेकिन कुछ चमत्कार ऐसे कर दिए कि लोग उनको पूजने लग गए, तो वो लोक देवता हो गए, ठीक है। अब आता प्रश्न, ये आता है कि लोक देवताओं में पंचपीर कौन कौन से हैं। पंचपीर लिखा, पंचपीर, पीर किसे कहते हैं, पंचपीर यानी पीर किसे कहते हैं, जिन लोगों की पूजा, जिन देवताओं की पूजा हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, तो वो पंच पीर हो गए। पांच पीर है, यानी रामदेव जी, हड़बू जी, बाबू जी, मेहा जी और गोगा जी, इनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, पंच पीर कहा गया। अब आगे क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के पंच पीर कौन कौन से हैं। तो मैंने ट्रिक भी बता रखी थी कि राम जी, हड़प्पा, मांगो मांगो, मांगलिया, हड़प्पा मांगो, पांच बार। ट्रिक क्या थी, राम जी हड़प्पा मांगो पांच बार। तो राम जी, तो राम से रामदेव जी, हड़प्पा तो यानी हड़बू जी, हड़प्पा पा से पाबू जी, मांगो से मांगलिया और गो से गोगा जी, पांच बार यानी पंचपीर क्या हो गए, राजस्थान के पंचपीर हो गए। अब हम एक एक पॉइंट की करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामदेव जी, क्या पढ़ेंगे रामदेव जी। क्लास तो चल रही है ना, कई बार क्या हो जाए क्लास चालक को नहीं पढ़ा तो पूरी हो जाए क्लास, बेरोही गुण पढ़े, ठीक है। हाँ गुरु जी पढ़ाओ, क्लास बिल्कुल शुरू हो गई है, चलिए तो करते हैं शुरू। सबसे पहले देखो इधर रामदेव जी, नोट्स बनाना अच्छे से। पहले बता देता हूँ लेवल कौन सा है, एसआई वाला लेवल कौन सा है, एसआई लेवल वाला है। तो टेंशन आप लोगों को थोड़ी बहुत लेनी भी है और नहीं भी लेनी, नहीं इसलिए नहीं लेनी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेनी इसलिए है कि बहुत सारी बातें हैं इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न देखो इधर, रामदेव जी पहला पंचपीर, पंचपीरों में नंबर एक पर कौन है, रामदेव जी है, ठीक है। रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था, अजमल जी तंवर। अजमल जी तंवर के क्या नहीं थी, संतान नहीं थी, ठीक है। तो एक कहानी छोटी सी, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो सामने से उनको हाली मिल गई, यानी जो खेत जोतने जा रहे थे किसान वो मिल गए। तो अजमल जी को देख रहे वो किसान क्या हो गए, घूम गए वापस। तो अजमल जी तंवर जी ने बोला कि मुझे देखकर क्यों घूम गए। तो किसानों ने कहा कि भाया थारा को नहीं टाबरियो, ठीक है, थे मारे के वो जो अशुभ अशुभ बोला ना भाई कुसुण है। तो कहा अजमल जी ना राजा थे, आप तो अशुभ हो, हम खेत जोतने जा रहे हैं, हमारे फसल नहीं होगी अगर हम आपको देख लेंगे तो। अब आज सुनता है अजमल जी ना की झाड़, एक यहा कृष्ण जी का भगत था, ए बाजा बाजा मंदिर में गया, मूर्ति के सामने बैठे, बोले कि भाई आ के बात, मैं थारी इतनी पूजा करूँ, थे मैंने एक टबरी गुन दे सकूँ। और झाड़ झाड़ में के करो एक लाड्डू उठायो और कृष्ण जी का मूर्ति पर बगाया, कौन अजमल जी। तो बैठे लोग बाग बैठे, भाई अठे के है तू जा द्वारका जा।
अजमल जी तुअर की बात कौन सोची बाजे बाजे खट गया द्वारका। द्वारका जाता ही कृष्ण जी को नाम ले समुद्र में लगा दी छलांग। ठीक है, समुद्र में छलांग लगाई तो कृष्ण जी देखे कि भाई साहब वो के बात है, मेरो नाम लेके मर रहे लाग रहे तो मेरे तो हो जाएगी दिक्कत। जना ओ के बोलिया अजमल, कृष्ण जी आए धरती पर आकर बोले अजमल जी को, मैं तेरे को एक वचन देता हूँ कि तेरे घर पर एक लड़का होगा और वो मेरा ही अवतार होगा। किसने कहा? कृष्ण जी ने। तो अजमल जी ने बोले भाई मैं क्या मान लूँ मेरा ही अवतार होशी। तो बोले कि रामदेव जी जिस वक्त तुम्हारे घर पे कोई बच्चा पैदा हो तो वहाँ पर पगले मंड जाएंगे, यानी पगले बन जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक। ठीक है, तो पगले मंडते समझ जाना कि अवतार किसका है, मेरा यानी कृष्ण जी का। चलिए क्वेश्चनों की बात करते हैं, कहानी इतनी सी थी। पिताजी का नाम था अजमल जी तंवर। ठीक है, के नाम हो अजमल जी तंवर। माता कौन ही? मीणा दे। माता का नाम मीणा दे। पत्नी हमेशा बड़ी होती है, पत्नी नेतल दे, है ना, नेतल दे। और नेतल दे का ही नाम क्या था? निहाल दे। ठीक है, अब पूछे रामदेव जी को घोड़ों के नाम हो, लीलन घोड़ेरा अश्वार कंवर तेजा वाला अलग है, वो लीलन है, वो ध्यान रखना लीलन तेजा जी की है, ये है लीला घोड़ा या फिर नीला घोड़ा भी आप लोग बोल सकते हो, लीला भी बोल सकते हो, नीला भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाओ जन्म। जन्म पूछे तो 1405 ईस्वी में भादवा शुक्ला दूज को हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़कासमेर गांव शिव तहसील बाड़मेर। ये क्या है? बाड़मेर है, ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। जन्म 1405 ईस्वी में भादवा शुक्ला दूज यानी द्वितीय को हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में जन्म हुआ था। किसका? रामदेव जी का। बताओ कोई दिक्कत ना गुरु जी, कोई दिक्कत को नहीं। आगे देखो, पूछे मेड़ो कदबर है रूनीचा जैसलमेर भादवा शुक्ला दूज से एकादशी तक क्या बढ़ता है? रामदेव जी का मेला भरता है। कब भरता है? रूनीचा जैसलमेर में, यहाँ मृत्यु हो गई थी एकादशी को, तो भाद्र शुक्ल दूज से एकादशी को रामदेव जी का मेला भरता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आ जाओ रामदेव जी की बहन, एक को नाम हो सुगना, एक को नाम हो लाछा। एक को नाम सुगना, एक को नाम लाछा। ठीक है, आई धर्म बहन, ई धर्म बहन को क्या नाम हो? डाली बाई। धर्म बहन को नहीं, डाली बाई। डाली बाई रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ले ली थी। ठीक है, यानी कि एक दिन, यानी भाद्र शुक्ल दशमी को डाली बाई ने क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। लिख भी लेना, एक दिन पहले। कहाँ लिखूं? जगह को नहीं, एक तो चलो चलिए। भाद्र शुक्ल दशमी को क्या हुआ था? डाली बाई ने एक दिन पहले समाधि ले ली थी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, भाद्र शुक्ल दशमी को डाली बाई ने क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी एक दिन पहले। ठीक है, आगे देखो, उपनाम किसके? रामदेव जी के उपनाम। इनको श्री कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, इनको विष्णु का अवतार भी कहते हैं, इनको पीरोरा पीर भी कहते हैं, इनको नेतलरा भरतार भी कहते हैं। ठीक है, अर्जुन का वंशज भी कहते हैं। किसको? रामदेव जी को। तो ध्यान रखना उपनाम में कौन कौन आ जाएगा, श्री कृष्ण जी का अवतार, विष्णु जी का अवतार, पीरों का पीर, ठीक है, नेत्रा भरतार, अर्जुन के वंशज, राम सा पीर, ये क्या हो जाएंगे इसके उपनाम। अब आ जाओ ग्रंथ की बात करते हैं। ग्रंथ लिखा था 24 वाणी। रामदेव जी का ग्रंथ कौन सा है? 24 वाणी। ध्वजा, रामदेव जी की जो ध्वजा है उसका नाम है नेजा, इसको हम पंचरंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचरंगी या फिर नेजा। अब आ जाओ गुरु, रामदेव जी के गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। के नाम हो? योगी बालीनाथ थे। किसके? रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। बालीनाथ कौन थे? अब देखो इसको, रामदेव जी ने वध किया था किसका? भैरव राक्षस का वध किया था, जब उनकी उम्र शायद 9-10 साल के आसपास थी, तभी उन्होंने क्या किया था, रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। ये अमावस्या वाले दिन जाता था ऋषियों के पास और वहाँ पर इंसानों को खाता था, तो इसका वध किसने कर दिया था? रामदेव जी ने। चलिए आगे देखो, रामदेव जी ने किस किस चीज़ों का, यानी कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया? एक तो पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया, ठीक है, एक राम सरोवर तालाब का भी निर्माण किसने करवाया था? रामदेव जी ने। ठीक है, रामदेव जी ने एक पंथ भी लिखा, उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ।
रामदेव जी ने एक पंथ लिखा था, उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? गुरुजी आ गई, बिल्कुल आ गई। शिष्या, शिष्या का नाम था आई माता। शिष्या का क्या नाम था? आई माता था। ठीक है, कुलदेवी थी किसकी? सिरवी जाति की। शिष्या थी आई माता और ये आई माता कुलदेवी थी। किसकी कुलदेवी थी? सिरवी जाति। एक जाति है सिरवी, सिरवी जाति की क्या थी? ये कुलदेवी थी। ध्यान रखना, कुलदेवी लिख लेना इसको भी। सिरवी जाति की कुलदेवी कौन थी? आई माता। इस आई माता ने आई पंथ की स्थापना भी की थी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? ये हो गए रामदेव जी के प्रमुख महत्वपूर्ण पर्सन। इसके अलावा भी बताऊंगा, है ना, इसके अलावा भी अन्य चीजें और मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण थी, इनके अलावा भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? रामदेव जी, रामदेव जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, इसलिए इनके चरणों की पूजा होती है। किसकी? रामदेव जी के चरणों की पूजा होती है। ठीक है, और तो आगे बाद में देखेंगे, अब आ जाओ आगे। हड़बू जी, हड़बू जी, रामदेव जी पंचपीर हो गया, अब आ जाओ हड़बू जी पंचपीरों में नंबर दो पर कौन है? हड़बू जी। ठीक है, हड़बू जी के पिता का नाम था मेहर जी। हड़बू जी के पिताजी का नाम मेहर जी, माता सौभाग्य। हड़हड़बूजी सौभाग्य, मुझे हड़बूजी मिले, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। पत्नी भारमली, हड़बूजी भार, भार किसने उठाया? हड़बूजी का भार किसने उठाया? उनकी पत्नी ने उठाया, भारमल जी। सवारी किसकी? सिहार की। इसकी सवारी लीला घोड़ा। अब एक एक चीज क्लियर होती जाएगी आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी है ना। जन्म बुढ़ेल गांव नागौर। इसके पिता अजमल, इसके पिता मेहर जी। ठीक है, जन्म बुढ़ेल गांव नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था। अब आगे देखो, मेला भाद्र शुक्ला दशमी को हड़बू जी का मेला भरता है। भाद्र शुक्ला दशमी को, भाद्र शुक्ला दशमी को। अब आप लोगों को पता है भाद्र शुक्ला दशमी को कुछ और भी घटना घटी थी, बिल्कुल घटी थी। कौन सी? डालीबाई, डालीबाई ने क्या की थी? समाधि ली थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए। समकालीन शासक, हड़बू जी के समय समकालीन शासक कौन था? तो वो शासक था मारवाड़ शासक राव जोधा। तो राव जोधा हड़बू जी के सम, क्वेश्चन बनता है हड़बू जी के समकालीन कौन थे, कौन सा शासक था? तो हड़बू जी के समकालीन शासक थे राव जोधा। कौन हो? राव जोधा। ठीक है गुरु जी, बिल्कुल ठीक है, मजो आ रहे हो, बहुत जोरदार मजो आ रहे हो, प्रणाम। तो मजा सु पढ़ चू। आगे देखो, गुरु, गुरु योगी बालीनाथ। इको गुरु कौन हो? यानी रामदेव जी का एक गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ। और इनके भी गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ। ठीक है, अब मोसेरे भाई कौन? हाँ, रामदेव जी। तो गुरु भी एक ही हो गया। ठीक है, मोसेरे भाई रामदेव जी। तो पूछ ले रामदेव जी का मोसेरा भाई कौन था? हड़बू जी। हड़बू जी के मोसेरे भाई कौन थे? रामदेव जी, रामदेव जी मोसेरा, मोसेरा रामदेव जी, रामदेव जी हड़बू जी मोसेरा। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया गुरु जी। मंदिर चाखू गांव जोधपुर। हड़बू जी का मंदिर कहाँ है? चाखू गांव जोधपुर में। मंदिर कटा है चाखू गांव जोधपुर में। पूजा बैलगाड़ी की जाती है। हड़बू जी का जो मंदिर है, जितने भी मंदिर है उनमें केवल पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की होती है। इस बैलगाड़ी से अपंगों के लिए चारा लेकर आते थे। कौन? हड़बू जी। अपंगों के लिए के ले आवा हा? चारा। कौन ले आवा हो? हड़बू जी ले आवा हा। अब पूछे हड़बू जी के मंदिर, यानी मंदिर है चाखू गांव में, उसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा अजीत सिंह ने चाखू गांव में हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया। पूछ ले हड़बू जी के मंदिर का निर्माण चाखू गांव में किसने करवाया? महाराजा अजीत सिंह ने। बात समझ में आई को नहीं? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आ गई। अब आगे क्वेश्चन एक और देखो। एक शासक हुआ करता था, कौन? राव जोधा। ए राव जोधा, हड़बू जी राव जोधा को एक आशीर्वाद देते हैं कि वो पता नहीं दो जौ के दाने या गेहूं के दाने देते हैं कि भाई ये जब तक तुम्हारे पेट में रहेंगे तब तक तुम अपने घोड़े को जहां तक घुमाओगे वो एरिया तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं? आई कि नहीं? आई, अरे आई कि नहीं आई? ठीक है, यानी कि वापस देख लो, वापस समझो। राव जोधा को आशीर्वाद दिया था किसने? हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया था कि मेवाड़
यानी मेवाड़ और मारवाड़ से लेकर जंगल प्रदेश तक तुम्हारा क्या रहेगा, शासन रहेगा। तुम्हारा साम्राज्य कहाँ तक फैलेगा, मेवाड़ से लेकर जंगल प्रदेश तक तुम्हारा साम्राज्य फैलेगा। ये बात किस, ये आशीर्वाद किसने दिया था, हड़बूजी ने दिया था। किसको दिया था, राव जोधा को दिया था। ठीक है, राव हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर भी जीता था। क्या जीता था, मंडोर, मंडोर जीता था। किसने, राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से ही मंडोर जीता था। फिर राव जोधा ने क्या किया, हड़बूजी को एक भेंट दी थी, बावनी जागीर भेंट की थी। किसको, हड़बूजी को। राव जोधा ने क्या किया, बावनी एक जागीर भेंट की, बावनी जागीर भेंट की किसको, बावनी जागीर भेंट कर दी किसको, हड़बूजी को भेंट की थी। किसने, राव जोधा ने, जो समकालीन शासक थे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं, बिल्कुल गुरुजी आगे। एक महत्वपूर्ण चीज ये है, यानी कि जब रामदेव जी ने समाधि ली, उसके 8-10 दिन बाद ही हड़बूजी ने भी क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी, समाधि ले ली थी। चलिए, एक प्रश्न आता है, हड़बूजी का उपनाम क्या है। तो हड़बूजी का उपनाम है वचन सिद्ध पुरुष, जो भविष्य वक्ता बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, उपनाम वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध, सिद्ध सॉरी है ना, वचन सिद्ध पुरुष, भविष्य वक्ता कौन है, हड़बूजी। वचन, वचन सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता था, हड़बूजी को, हड़बूजी को। बात समझ में, बिल्कुल गुरुजी आगे। अरे क्यों कना वही था ना, बहुत जोरदार समझ मासी था हाल तो आयो के, बहुत जोरदार समझ मासी थे। तो बस पढ़ता रहो, जिया जिया मैं पढ़ा रही हूँ, जिया जिया थे लिखता रहो, जिया जिया मैं सुना रही हूँ, जिया जिया थे सुनता रहो। ठीक है, चलिए, पढ़ दो, पढ़ लिए रामदेव जी, पढ़ लिया हड़बू जी, पढ़ लिया। अब आ जाओ किधर, पाबू जी की तरफ। पाबू जी के पिता का नाम धांदल देव, अब वो भी रिपीट करवाता रहूंगा, टेंशन नहीं लेनी, पीछे वाला भी रिपीट करवाता रहूंगा। पिता का नाम धांदल देव, तो हड़बू जी के पिता मेहाजी, रामदेव जी के पिता अजमल जी, तो पाबू जी के पिता धांदल जी। धांदल देव राठौड़ पाबू जी के पिताजी का नाम था। माता जी का नाम कमला दे, सौभाग्य हड़बू जी मिले मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आह, माता मेणा दे, पत्नी सुप्यार दे, पाबू जी की पत्नी सुप्यार दे, सुप्यार दे का ही नाम क्या था, फुलवंती। अच्छा, माता कमला दे थी, कमला दे का दूसरा नाम था मधु मोका रानी। ठीक है, कमला दे का ही दूसरा नाम मधु मोका रानी, पत्नी सुप्यार दे, सुप्यार दे का दूसरा नाम था फुलवंती। एक याद हो गई, दो दो नाम खटू याद रखा, कर्णों पर्ची कोई रास्त को नहीं। घोड़ा केसर कालमी सियार लीला घोड़ा। ठीक है, जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में 1296 विक्रम संवत, ईस्वी सन निकाल देना, निकालोगे तो 57 माइनस कर देना तो ईस्वी सन आ जाएगी। ठीक है, मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी को मेला लगता है हड़बूजी का, और भाद्र शुक्ल दूज से एकादशी तक रामदेव जी का। आगे आओ, बहन का नाम था पेमल दे, पेमल बाई और सोनल बाई, पाबूजी की बहन का नाम पेमल बाई सोनल बाई, पेमल बाई और सोनल बाई। अवतार पूछे तो पाबूजी किसके अवतार है, लक्ष्मण जी के अवतार है। दादाजी, दादाजी के नाम था आस्तान जी राठौड़, आस्तान जी राठौड़ किसके दादाजी, पाबूजी के दादाजी का नाम था आस्तान जी राठौड़। पाबूजी का शिष्य था, शिष्य का नाम था रे बारिश, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने लिखवाया, शिष्य का नाम क्या है, रे बारिश। क्या नाम है, रे बारिश। ठीक है, गुरु का नाम है समरनाथ भारती, गुरु का नाम, पाबूजी के गुरु का नाम समरनाथ भारती। हड़बूजी और रामदेव जी के गुरु एक ही है, गुरु बाली, योगी बालीनाथ। ठीक है, अब पूछते हैं कि राम, क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी किस वंश से, किस वंश से थे, तो मारवाड़ के मूल पुरुष राव सिंघा के वंश थे, सिंहा के वंश कौन थे, पाबूजी थे। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं, हाँ गुरुजी बिल्कुल आ गई। तो अब पूछे था ना उपनाम के हो भाई, आका भी उपनाम है तो इको भी उपनाम, यानी कि पाबूजी के भी तो उपनाम होंगे। तो पाबूजी को कहा जाता है ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी इनको ही जाता है।
किसको? बाबूजी को। बाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक कहा जाता है, प्लेग रक्षक कहा जाता है। इसके अलावा गो रक्षक भी कहा जाता है, गो रक्षक भी कहा जाता है, ढंग से लिख लेना है ना, गो रक्षक भी कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन और आता है, बाबूजी के भाई का क्या नाम था? भाई का नाम था बुड्ढा जी राठौड़। के नाम हो बुड्ढा जी राठौड़। के नाम बुड्ढा जी राठौड़। अब ये बुड्ढा जी राठौड़ के एक टाबरियो हो भी टाबरिया को नाम हो रूपनाथ झरड़ा। के नाम हो रूपनाथ झरड़ा। भाई भाई कौन? बुड्ढा जी राठौड़ किसके भाई थे? बाबूजी के। बाबूजी का पुत्र था, पुत्र का नाम था रूपनाथ जी झरड़ा। रूपनाथ जी झरड़ा। जब रूपनाथ जी झरड़ा थे तब वो, यानी कि रूपनाथ जी झरना झरड़ा जब 9 वर्ष के थे तब इन्होंने बदला लिया था किसका? बाबूजी की हत्या, और बूढ़ा जी यानी बूढ़ा जी राठौड़ और बाबूजी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। जो इनके किसके? बूढ़ा जी राठौड़ का पुत्र रूपनाथ। वापस समझो इसको ना, भाई कौन? बूढ़ा जी राठौड़। बूढ़ा जी राठौड़ का पुत्र कौन? रूपनाथ जी झरड़ा। तो रूपनाथ जी झरड़ा का फूफा हा जिंदू राम खिंची और मामो कुनो फूलदेव भाटी। तो जिंदू राम और फूलदेव भाटी की हत्या किसने की थी? किसने की थी? रूपनाथ जी झरड़ा ने क्या की थी, यानी मौत का बदला लिया था किसने? रूपनाथ जी झरड़ा ने बदला लिया था चाचा की हत्या का, और पिता की हत्या का बदला किसने लिया था? रूपनाथ जी झरड़ा ने लिया था। किससे लिया था? फूफा जी, जिस फूफा से लिया था जिसका नाम था जिंदराम खिंची और मामा फूलदेव भाटी। तो जिंदराम खिंची और फूलदेव भाटी को किसने मारा था? रूपनाथ जी झरड़ा ने मारा था। नाम ही पता नहीं कैसे अजीब से। चलिए आगे देखो, मेहा जी मांगलिया। तीन पढ़ लिए हैं? हाँ गुरु जी बिल्कुल पढ़ लिया। घणो ही मजो आयो, मजो घणो ही आयो पढ़ना। मजो क्यों को नहीं आओ हो? मजो क्यों को ना आओ हो? मजो बिल्कुल ई आसी था ना, रोजी ना आसी। मजा सु पढ़ो, मजा सु पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है कि ना गुरु जी? कोई दिक्कत को न्या? तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर पढ़ो। आगे देखो, मेहा जी मांगलिया। मेहा जी मांगलिया, मांगलिया पत्नी से के मांग लिया हीरा मांग लिया, पत्नी से के मांग लिया हीरा मांग लिया। ठीक है, शुरू से पढ़ते हैं। पिता, पिता का नाम है गोपाल राव सांखला, इसी का अन्य नाम, इन्हीं का अन्य नाम कीतु करनोत। तो मेहा जी मांग लिया जी के पिता का नाम है गोपाल राव सांखला, इन्हीं का अन्य नाम है कीतु करनोत। माता का नाम है मायर दे। मेहा जी मांग लिया कि माता का नाम क्या है? मायर दे। पत्नी का नाम है हीरा दे, और एक और अन्य पत्नी बताई जाती है स्वांग दे। स्वांग दे कौन थी? हीरा दी, जो हीरा दे है इसी की भतीजी कौन थी? स्वांग दे थी। जब मेहा जी ने वो क्या बोलते, जब मेहा जी शहीद हो गए थे तब स्वांग दे ने भी क्या की थी? स्वांग दे भी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ठीक है, हालांकि शादी नहीं हुई थी स्वांग दे से, वो क्या थी? हीरा दी की भतीजी थी। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में, समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अभी के लिए इतना समझो, पत्नी हीरा दे मुख्य थे यही थी, स्वांग दे ये क्या थी? कुंवारी थी। ठीक है, कुंवारी पत्नी। ठीक है, कुंवारी। ठीक, चलिए। जन्म तापू गांव जोधपुर। तापू गांव मेहा जी, मेहा जी ने क्या मांग लिया? टापू गांव मांग लिया। याद रह जाएगा, टापू गांव मांग लिया, यानी टापू गांव जोधपुर को क्या हुआ? मेहा जी का जन्म हुआ। घोड़ा किरण काबरा। घोड़ा केसर कालमी, किरण काबरा, मेहा जी मांग लिया, मांग लिया काबरा, किरण काबरा, किरण काबरा घोड़ा। उपनाम उज्जल क्षेत्रीय। मेहा जी मांग लिया का उपनाम उज्जल क्षेत्रीय। इधर उपनाम ऊंटों के देवता प्लेग रक्षक, उधर राम सफीर जो भी है। ठीक है, मेला, मेला भाद्र कृष्णा अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है किसका? मेहाजी मांगलिया भाद्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र अमावस्या, भाद्र शुक्ल दशमी, एकादशी तक। ठीक है, आगे देखो। धर्म बहिन, धर्म बहिन है पाना गुजरी। धर्म बहिन कौन है? पाना गुजरी। धर्म बहिन कौन? पाना गुजरी। समकालीन, यानी मेहाजी मांगलिया के समकालीन शासक कौन थे?
मारवाड़ शासक राव चूड़ा। तो मेहा जी मांगलिया के समकालीन कौन थे? मारवाड़ शासक राव चूड़ा जी थे। ठीक है, बात समझ में आई? आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। नाना जी का नाम है किल्लू जी मांगलिया। ठीक है, अब मेहा जी क्या थे? ननिहाल में पले पले, वहीं पर बड़े हुए, तो अपने आगे क्या लगाने लग गए थे? मांगलिया। ठीक है, तो नाना जी का नाम था किल्लू जी मांगलिया, तो ये मांगलिया थे, तो मेहा जी ने भी अपने आगे क्या लगा लिया? मांगलिया लगा लिया। ठीक है, मंदिर बापिनी गांव जोधपुर में मेहा जी मांगलिया का क्या है? मंदिर है, घणोई जोरदार मंदिर है। ठीक है, मेहा जी मांगलिया सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। सगुन शास्त्र मतलब चिड़िया, जो पक्षी वगैरह बोलते हैं उनकी भाषा समझ लेते हैं, तो सगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन? मेहा जी मांगलिया। अब आती है इनकी गोत्र। गोत्र में दो मतभेद है। एक गोत्र बताई जाती है पंवार, वो किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहा जी किस गोत्र से थे? पंवार गोत्र से। ठीक है, और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या बताते हैं कि ये मेहा जी मांगलिया राजपूत थे। ठीक है, दोनों अपने अपने मत देते हैं। अब हमें नहीं पता कौन किस जाति से था। पुत्र, पुत्र का नाम था अलहण सिंह। पुत्र, मेहा जी के पुत्र का क्या नाम था? अलहण सिंह, अलहण सिंह, अलहण सिंह। ठीक है, बताओ चार लोक देवता पढ़ लिए, पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर हुई भी है दोबारा पढ़ लेना, इससे भी ज़्यादा हुई है तो मैं फिर दोबारा बताऊँगा। टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, लोक देवता कंप्लीट कराऊँगा। जैसे मैंने बावड़िया, आपके हवेलिया, छत्रिया, जैसे कहानी से याद करवाया है, इसमें तो आप पिता को क्या कहानी बनाऊंगा? एक ही तो नाम है, इसकी तो कोई कहानी बना ही नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें होती है जो रटनी पड़ती है, उसमें कोई कहानी से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे देखो। पिताजी, पिताजी, पिताजी का नाम जेवर सिंह। गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था? जेवर सिंह। माता का नाम था बाछल दे, माता का नाम बाछल दे। पत्नी, एक पत्नी ही सीरियल उत्तर प्रदेश की, एक पत्नी ही कैमल दे मारवाड़ की। कहते कि कैमल दे मारवाड़ की। अब आ कैमल दे कुनी, आ ही पाबूजी की भतीजी। आ पाबूजी, आ कैमल दे कुनी, आ मैं लिख दी हूँ पाबूजी, पाबूजी की के ही, पाबूजी की भतीजी, समझ जाए अरे भतीजी। कैमल दे कुनी पाबूजी की भतीजी ही, रूपनाथ झरड़ा की बहन ही। कौन ही? रूपनाथ जी झरड़ा, अरे रूपनाथ जी झरड़ा की बहन ही, निवासी कटकी ही, कोल्लू मंडी की। समझ में आ गया? कैमल दे कौन ही? पाबू जी की भतीजी ही। ठीक है, और रूपनाथ झरड़ा की के ही बहन ही। अब पूछे रूपनाथ झरड़ा कौन था? तो रूपनाथ झरड़ा पाबू जी का भतीजा था। पिता का नाम क्या था? राव सिंगा था। क्या नाम था पिता? सॉरी, पिता बुड्ढा जी राठौर। पिता का क्या नाम था? बुड्ढा जी राठौर था, बुड्ढा जी राठौर था। चलिए अब आ जाओ इधर। जन्म ददरेवा गांव राजगढ़ चूरू में जन्म हुआ था। किसका? गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आ जाओ। घोड़ी नीली, घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, और इसी का दूसरा नाम गोग बप्पा। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, गोग बप्पा। मौसी ही काछल दे। अब गोगा जी की जो मौसी थी, यानी गोगा जी की माता नाम बाछल, मौसी काछल दे। ठीक है, तो गोगा जी का भी जन्म ऐसे नहीं हुआ, वो भी बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, एक ऋषि मुनि, एक ने वो आशीर्वाद दिया था किसको? बाछल को, भाई सुबह है ना कपड़े पड़े पहन के अच्छे से आ जाना, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगी कि तेरे क्या होंगे, दो बच्चे होंगे। ठीक है, तो बाछल तो गई, उन्हें कौन पूछ गई? काछल पूछ गई। ठीक है, काछल का दो टाबरिया हो गया, फिर एक हो गया मजो, दो टाबरिया हो गया अपने, फिर वो बाबूजी और जूर आशीर्वाद दे दियो। वो कहानी बाद में पढ़ लेंगे कभी। ठीक है, मेला भाद्र कृष्णा नवमी को मेला भरता है। किसका? गोगा जी का। ठीक है, सहयोगी नरसिंह पांडे और भज्जू कोतवाली। ठीक है, नरसिंह पांडे ब्राह्मण थे, भज्जू कोतवाली हरिजन थे। ठीक है, तो दो सहयोगी हो गए, नरसिंह पांडे तो ब्राह्मण और भज्जू कोतवाली हरिजन। ठीक है, मोसरे भाई अर्जुन और सर्जन, यानी काछल दे के दो पुत्र हुए थे अर्जुन और सर्जन। ठीक है,
अब आता है गोगा जी के मंदिर। गोगा जी के प्रमुख तीन मंदिर है। नंबर एक पर आता है शीश मेढ़ी ददरेवा चूरू। शीश मेढ़ी ददरेवा चूरू किसका? गोगा जी का। ठीक है, शीश मेढ़ी ददरेवा चूरू में पहला मंदिर है। फिर एक मंदिर है गोगा मेढ़ी जो नोहर हनुमानगढ़ में है। तीसरा मंदिर है लघु मेढ़ी या छोटी मेढ़ी, वो कहाँ है? किलरियों की ढाणी सांचौर जालौर में है। किलरियों की ढाणी सांचौर जालौर में है। इस लघु मेढ़ी का ही दूसरा नाम है गोगा जी की ओल्डी। प्रश्न आता है गोगा जी की ओल्डी किस मंदिर को कहा गया है? लघु मेढ़ी को। कहाँ पर है? सांचौर जालौर में। ठीक है, अब मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते समय, यानी कि मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था किसने? गोगा जी ने। कब किया था? 1026-27 में किया, युद्ध किया था चिनाब नदी किनारे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई कि नहीं? ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत? गोगा जी का पुत्र पूछे तो केसरिया कंवर कर लेना। पुत्र मैंने नहीं लिखा होगा ना, पुत्र का नाम है केसरिया कंवर। पुत्र को क्या नाम है? गोगा जी का पुत्र को नाम है केसरिया कंवर। कौन? केसरिया कंवर। गोगा जी की जो गीत होते हैं, वो कंजर जाति गाती है। एक वाद्य यंत्र आता है डेरू। गीत कौन गावा है? कंजर जाति गावा है। वाद्य यंत्र पूछे तो डेरू। वाद्य यंत्र कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र से गीत गाए जाते हैं किसके? गोगा जी के। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब प्रश्न आता है गोगा जी का ने प्रथम पर्चा मिला था खिराज भगत को। पर्चा क्या होता है? अलौकिक शक्तियां मिल जाना, उसी को पर्चा कहते हैं। तो गोगा जी का एक शिष्य था जिस भगत था, उसको मिला था प्रथम पर्चा जिसका नाम था खिराज भगत। ठीक है, पर्चा पूछे तो पर्चा यानी प्रथम पर्चा किसे मिला था? खिराज भगत को क्या मिले हो? प्रथम पर्चो मिले हो। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, मिट्टी के घोड़े गोगा जी के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, गोगा राखड़ी तो आप जानते हो, यानी गोगा जी के राखी चढ़ाते हैं गोगा राखड़ी, गोगा नवमी को। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो आप लोग बताओ समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर सकते हो। ठीक है, फटाफट नोट करो इनको। बताओ क्लास कैसी लगी आप लोगों को? इनको आप ढंग से फटाफट नोट करो। ये सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री थी, अमरकोट पाकिस्तान में। ठीक है, सुप्यार दे।